चंगा बंदा नहीं प्रोड्यूसर इस तरह माड़ी नहीं कर रहे दसते थे प्रोग्राम आने रह गया चलो खैर कोई गल नहीं गल ब्रेड से जाम खादा सा फिर मैं थोड़ा अपना बड़ा बड़ा लगना था इज्जतदार होने जिस तरह लैवल आखने तो लगना सा मैं ब्रेड से जैम कदम माड़ी मुंह पर ब्रेड से जैम लगी तो नहीं ना तो कह लो बलो ठीक हो तुम इस टाइम जो तकड़े हो प्रोग्राम मिठे बोल तो हर जनाब मंगल ने नहीं मंगल क्या होने पीर 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 सोमारे ने जनाब शाम छे तो सत्त बजे कर असर है तो साथ होना है तो मैं इस प्रोग्राम कला ना होना जनाब इस प्रोग्राम माड़े ना होने असा ने कैमरामैन अस आपे होने तो प्रोड्यूसर होने कैमरामैन सर नहीं भाई हाथ लाने के हाल बल ठीक हो और बस उस तो बाद और कोई बंदा नहीं होना क्योंकि अस सोनी गल कर रहे हैं तो फिर असा और किसी बंद की लड़ नहीं पैनी गल कि मिठे बोल जनाब लोगों की लड़ तो क्या नहीं पैनी है बथेरे लोग होने चाहिए हैं क्योंकि तुसा भी असं कॉल कर सकने नंबर तुमने स्क्रीन पर अच्छा होगा तो तुसा कॉल कर सोगे गपशप कर सोगे तो मिठे बोलन जी एक फहरिस्त होनी लिस्ट होनी है वह बदसेगी तो हूँ मैं तारुफ करा सकता इस तो पहले कि जरा ना ये आवाज़ खंघन नहीं आनी पी है इन्ना जरा ना हजार रुपये ना कोट चाहिए कह सकते लेकिन भी रुपये ना खांसी ना सिर्फ नहीं कहते खंघ तो किस तरह बाद आवन है ये गल इन्हें असल में बैठे असाने बड़े टैलेंटेड बड़े खूबसूरत बड़े होने हर किस्म ने असाने गुल भाई हो गुल भाई क्या हाल है सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन क्या हाल है तुसा ना वालो अज मैं भी इत्थे ते अज माड़े नाल भी कोई नहीं इहदा सब बदला किंदा है हां मौसम आखने खलो चलो खैर एनीवेज जी मौसम अल्लाह ना शुक्र है असा इंजॉय करने पे क्योंकि एकदम गर्मी आ गई सी ते फिर उस तो बाद फिर एकदम अल्लाह मियां ने थोड़ी जी ठंड टिकाई ते फिर मजा आया कोट पाने ना ते खैर आज तक गर्मी सी लेकिन मैं फिर भी पा के दा चंगी चंगी गल है ना मड़े मड़े भी थोड़ी मूंगफलियां रहनी से बेचन जोगियां मैं है बेचियां ना सा वैसे तू तू क्यों ही सूट करना प्रोग्राम का खत्म करो बस मैं इससे ज्यादा मैं ना कर सकना है प्रोग्राम गल जनाब के इस गुल भाई असा नहीं होने असल एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत होनी है ओ शख्सियत जनाब मैं उसी बड़ा टैलेंट आखना घट उम्र उन्होंने एक काम शुरू किया और उम्र हले भी उन्होंने कोई ज्यादा नहीं छोटी जी उम्र है लेकिन टैलेंट उन्होंने को भरपूर है कला जिसे आखने असा हुनर आखने उस नाल भरपूर है असा मौजूद है असाने हारून भाई और उन्होंने गलबात कर सकता सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम अरुण भाई क्या बिल्कुल ठीक आप सुनाए कैसे बिल्कुल ठीक ठाक और यार थोड़ी जी पठारी मारिया करो ना पठवारी चलो कोशिश करने आज पठवारी मारा करो एक गल को यार इतना सा बोली बोली थकी जाने था पठवारी नहीं पठवारी नहीं दस रहा है कि बोली छोड़े कर आज तो साढ़े में दस रहा है लोकी के इनके गाला कर दा अल्लाह मियां नहीं बिल्कुल नहीं उन्हें की सेहत दवे आज थोड़े बीमार है ना दस भाई रहने सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है जनाब तो खुशी होनी है कि इस गल नहीं कि भाई चलो अगले प्रोग्राम जरूर शरीक हो सकेंगे मुजफ्फर भाई जिथे भी रहो तुसांकी रब जड़ा खुशक रखा गया नहीं खुश रखे खुश नहीं रखे खुश रखे थोड़ा जी यार इतनी जुबान सीखी हूं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होना ना लफ्ज़ा ना थोड़ा देर फिर होना चलो माफ कीता इस प्रोग्राम सिर्फ गल्लां गप्पां ना कुटने उस तो अलावा असा तुसें दी फरमाइश दे गाने भी जड़ा ना वो असा प्ले करने ते भावें तुसा पटवारी हो भावें बलोची हो भावें सरायकी हो भावें सिंधी हो भावें पठान हो भावें कोई भी हो तुसा गल एक पाकिस्तानी हो जे तुसा से काल मिलाओ ते काल मिलाइए ते हजारे ना भी असा जिक्र किया जनाब हजारा बड़ा खूब जो भी इलाके है जिस इलाके नहीं हो तुसा ठीक है ना असा गुल भी मौजूद है तुसा नी फरमाइश असा जगह पर पूरी कर सकेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश होती कि जड़े गाने याद होए असा जरूर पूरे कर सा उस इलाके ना कोई ना कोटा चा को जरूर मौजूद होना जी जी डेफिनेटली अच्छा अज गुल भाई मैं गल बहुत सारी हो गई तो मैं टॉपिक भी अनाउंस करिए तो उस बाद फिर प्रोग्राम में बकायदा आगाज करिए टॉपिक असा ना अज जड़ा मैं सोचा सा जरा मुसना में शेयर किया सा टॉपिक ऐसा कि बुजुर्गों की सख्तियां हाँ जी उन्होंने रवैया रवैया बुजुर्गों ना रवैया जड़ा होना ना ठीक है ना वो कदे कदे तंग करना है असा की
ठीक है ना, उस पर गल कर सकेंगे कि भाई बुजुर्ग टोकने बहुत ज्यादा है, हर गल तू मना करने रहने, ये ना करया करो, वो ना करया करो, इस वेला उठो, उस वेला सेवो, मतलब सहन ना टाइम लग गया, खान ना लग गया, ये ना लाओ, ये ना करो, मतलब बड़ी चीजा, तू राती बाहर ना जाओ, बूटे हेठ ना खलो, मतलब डेरा इस्माइल खान तो ना, एक बार फिर दसो बहुत शुक्रिया। आप करते क्या भाई जी? मैं जमींदार है। आपकी आवाज थोड़ी सी हमें सख्त आ रही है आज। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगे किसी गाने की? सराइकी गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ। सराइकी गाने की फरमाइश हम आपकी जरूर पूरी करेंगे। मुझे आप एक छोटी सी बात बताएंगे कि आप तो अब खुद मेरे ख्याल में आवाज से लगता है कि खुद बुजुर्ग हो चुके हैं। जी बुजुर्ग नहीं हूँ मैं। अच्छा सॉरी जी, माफ कीजिएगा, बुजुर्ग नहीं आप, लेकिन मेरे ख्याल में आप इस उम्र में तो होंगे कि आपके भी बच्चे होंगे। जी बिल्कुल। हाँ तो मुझे बताया ना जरा कि आप अपने बच्चों को तंग करते हैं कि भाई इस टाइम उठना है तुमने, इस टाइम सोना है, ये नहीं, ये तब 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 माइंड करेंगे थोड़ी गल माड़ी गल का माइंड करसन गे उन्होंने कॉल ना बैलेंस खत्म हो गया का। इस तरह नहीं असा नहीं गला माइंड करने, उन्हें की पता है कि ऐसा टॉपिक रखा था, इस पिछले भी कोई ना कोई चंगी गल छुपी हो सी, असा कोई माड़ी गल ना करने, क्योंकि गल ये कि बुजुर्ग ना जिस अदब ने किया ना, ठीक है ना, तो उस जमाने च कोई मतलब क्या आखने के मकाम नहीं हासिल किया, एक गल असा मनने सारे, ठीक है ना, तो असा यही गल आखने के अदब बुजुर्ग ने है, भावें अस अगर जाइए कि इस गल की मोल्ड करा ना करा, वो अलग गल ही है। मेरे ख्याल से प्रोग्राम ना बकायदा आगाज ना करिए। हाँ जी, जिस तरह असी हमेशा तो कलाम मियां मोहब्बत बख्श नाल शुरू करने हैं प्रोग्राम ना आगाज करने हैं, तो अज भी तुसी सुनासी नाजरीन वास्ते स्पेशली बेसिकली अज जड़ा टॉपिक है इस विच, क्योंकि इसने बहुत सारे टॉपिक हैं इस विच, बहुत सारे समझ लो कि वो क्या हैं के पार्ट्स हैं, पार्ट्स हैं लाइफ ऑफ के, लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बिल्कुल, तो उस विच अज टॉपिक है रब जो चाहना वो करना है। आए हाय क्या बात है। और मैं एक गल सुन के सारे कि जितनी भी असने तकन सुने लेने जड़े कॉल मिलाने की कोशिश करने उन्हें कि सारे कि मैं गल दसना चाहना कि ये जड़ा असा आगाज करने हैं ना, इसकी वजह यही कि बुजुर्गों का जो कलाम होना है ना, इस हकीकत नहीं गल कर रहे हैं, इसकी हकीकी नहीं गल होनी है, सच्चाई नहीं गल होनी है, तो इसकी गौर न सुने करो, तो इस उपर अमल करने की भी कोशिश करया करो, सिर्फ ये नहीं कि गुलबर ने आवाज चंगी है तो अब लो लैना सुनी है तो सुन सुकून आया, नहीं, जेडे ये बोल बोलने उन्होंने पर गौर करया करो कि गल असल होनी क्या है, तो असं जिंदगी कितना कितना अस कम आई सकनियां, यह भी जरूरी गल है। तो गुल स्टार्ट कर सोगे तो तुसा भी सुनो, इंजॉय करो, तुसा की कॉल करना ना भूलियो जी। ताज टिका के
ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਕੁਫਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਪਰ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗੁਨਾਹੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗੁਨਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਸੁੱਖੀ ਲੱਕੜ ਸਿਰ ਹੱਕਾਨੀ ਬਣ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਕਰ ਹੱਕਾਨੀ ਬਣ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਸਿਰ ਲਾਹੀ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸਾਰੇ ਖਾਸਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਨਿਸ ਸਾਰੇ ਖਾਸਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਗੁਲ ਬਈ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ ਕਲਾਮ ਟਾਪਿਕ ਉੱਪਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੌਣ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਫਰੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਸੇ ਫਰੀ ਕੈਸੀ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਰੀ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੋ ਆਪ ਹਮਸੇ ਠੀਕ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਆਪਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਦੀ ਲੱਗੀ ਬੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਮੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਬਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਟੌਪਿਕ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣੇ ਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਣੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਗੁਲਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਤ ਆਖੀਏ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਤ ਆਖੀਏ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਗਫਾਰ ਕਹਾਰ ਕਵਾਂਦਾ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗਾਣੇ ਚ ਆ ਊ ਯੇ ਵੋ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਆਖੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜੱਬਾਰ ਕਹਾਰ ਸਦਾਵੇ ਮਤ ਰੋੜ ਸਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਅਸਾਂ